अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ एग करी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आप भी ये बनाना चाहते हैं तो आपको हमारी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी होगी। आप एग करी के लिए हमने मसाले लिए हैं, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और यहाँ हमने लिया है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून मेथी दाना और 1/4 टीस्पून कलौंजी, 8 लाल गोल मिर्ची और 6 कड़ी पत्ता जिन्हें हमने धो लिया है, और 2 किलो हमें टमाटर भी लेने हैं जिसका हमने पेस्ट बना लिया है इसके उतार के, और हमने 14 अंडे भी लिए हैं जिन्हें हमने बॉयल कर लिया है। अब हमने यहाँ 4 टेबल स्पून इतना ऑयल ऐड कर लिया है। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है राई, लाल गोल मिर्ची और कड़ी पत्ता, इन्हें हमने 1 मिनट तक ही पकाया है। और अब हम इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड कर देंगे और इन्हें भी तेल में 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जीरे और राई की अब बहुत ही प्यारी सी खुशबू फैल गई है और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम कुछ देर के लिए पकने देंगे। अब 20 मिनट हो चुके हैं, हमने टमाटर को 20 मिनट तक पकाया है। इस टमाटर की करी को हमने इतना ही थिक रखा है। अंडों को हम इस तरह से कट लगा लेंगे, सारे अंडों को ही लगा लेने हमें इसी तरह से, ताकि इनमें जो हम मसाला लगाए हैं वो अच्छी तरह से अंडों पर लग जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक, और मसाले को अच्छी तरह से अंडों में अब हम मिक्स कर लेंगे। एग करी के लिए अब करी बिल्कुल तैयार है। अब हमने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब हम इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसी तरह से हम अंडे की सारी साइड से इसे गोल्डन फ्राई कर देंगे। फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें करी में डाल देंगे। और अब बाकी सारे अंडे भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। अब सारे एग हमने फ्राई करके इसमें ऐड कर दिए हैं, और अब बचे हुए ऑयल में हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून जीरा भी हम ऐड कर देंगे इसमें। 1/2 लाल गोल मिर्ची भी ऐड कर देंगे। लाल गोल मिर्ची और कड़ी पत्ता भी हमने ऐड कर दिया है इसमें। अब इन्हें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके बहुत ही प्यारी सी खुशबू फैल गई है। अब हम इसे कड़ी में ऐड कर देंगे और इसे ऐड करने के बाद हम इसे कवर कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू तड़के की अच्छी तरह से फैल जाए। करी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी होती है। इसमें हल्की सी टमाटर की एक खटास होती है और फिर मसालों का हल्का सा फीकापन, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। आप इसे चावलों के साथ या रोटी के साथ जिसके साथ पसंद करें। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।